अपने इलाके में गंदगी से परेशान कांग्रेस की पार्षद गुड्डू देवी जो है कूड़ा लेकर सिविक सेंटर आई है। सिविक सेंटर जो है एमसीडी का मुख्यालय, आप देख सकते हैं कि ये कमिश्नर का दफ्तर है और ठीक इनके दफ्तर के बाहर इन्होंने यहाँ पर जो कूड़ा है, जो कूड़े की जो थैलियाँ है वो यहाँ पर डाल दी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्थ एमसीडी की जो कमिश्नर है वर्षा जोशी, वो अपने दफ्तर से बाहर निकल कर आई है और आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेसी पार्षद जो है अपना विरोध जता रही है। दरअसल इनका ये कहना है कि इनके इलाके में पिछले कई दिनों से जो गंदगी की परेशानी है वो दूर नहीं की जा रही है, सफाई का जो काम है वहाँ पर वो नहीं किया जा रहा है और उसी के विरोध में वो इस तरीके का जो प्रदर्शन है, जो इस तरीके का जो विरोध का तरीका है वो इस्तेमाल करी है। इससे पहले इन्होंने जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर है अवतार सिंह, उनके दफ्तर के बाहर भी इसी तरीके से कूड़ा फेंका है और अब कूड़े की जो थैलियां है वो इन्होंने कमिश्नर के दफ्तर के ठीक बाहर फेंक दिए। क्यों क्यों आप ये सब कर रहे हैं, क्या आपके इलाके में दिक्कत है जो आप ये इस तरीके का विरोध कर रहे हैं? पिछले 1.5-2 साल से इन्होंने पैमाइश के नाम पे मेरे यहाँ से 113 सफाई कर्मचारी हटाए थे, जो कि उस टाइम हमारे एमसीडी का जो डीसी थे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, जगदीप छिल्लर जी से, क्योंकि मैं हाउस में बोलती थी, मैं मीटिंग में बोलती थी और इसी का मेरे से विरोध करने के लिए, या मैं ये कहूंगी कि मैं नीची मैं एससी हूं या हम दलित समाज से हैं तो इसलिए मेरे से बदला लिया जा रहा था। आज भी मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं हुई और सबसे दुख की बात यह है, मुझे कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि एक बच्चे की क्रिया थी, अब यकीन मानना कि एक तरफ क्रिया लोग उसमें बैठे थे गमी में और दूसरी तरफ कूड़े का ढेर पड़ा था, तो एहसास होना चाहिए ना इनको भी कि गंदगी में कैसा रह जाता है। इतना दुख हुआ मुझे उस बात का कि इन लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, क्या करूं मैं, मुझे यही आपका माध्यम देख सकते हैं कि पार्षद किस तरीके से परेशान है अधिकारियों से, इस तरीके का जो तरीका है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि गुड्डू देवी बातें बताते बताते भावुक भी हो गई है, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो खुद रो रही है। मतलब आपके इलाके में सफाई कर्मचारी नहीं है या जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई नहीं कर रहे हैं? पर्याप्त नहीं है वो सफाई कर्मचारी, 80 कर्मचारी दे रखे हैं, पर्याप्त नहीं है। रोज उसके जो अभी है कि इनका सफाई अभियान चला पाए उसके नाम पे, तो आप अभी भी जाए और मेरा व्हाट्सएप की जो फोटो मैं आपको दे देती हूँ, हर जगह गंदगी, रोशनारा रोड वही इस हाल में पिस रहा है कि जी केशवपुरम जोन में आएगा या सिविल लाइन जोन में आएगा, बुरा हाल है मेरे क्षेत्र का, मैं किसको कहूँ जाके। तो आपने कई बार क्या शिकायत की है इसकी, बोला है उसमें? हर बार मैंने बोला है, हर बार कमेटी में बोला है, कहीं सुनवाई नहीं होती, हार का मुझे ये करना पड़ा है, हार के मुझे ये करना पड़ा है उसमें। अब आप देखेंगे आपके मीडिया के माध्यम से अगर इनके कान जागते हैं या कान खुलते हैं, आंखें खुलती हैं, देखते हैं परमात्मा चाहेगा अभी इसमें। तो बिल्कुल ये मलकागंज से कांग्रेस की पार्षद है गुड्डू देवी, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि इनके इलाके में पर्याप्त सफाई कर्मचारी नहीं है और वो पिछले कई महीनों से अपने इलाके में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग करती रही है और जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस तरीके का जो तरीका है वो इस्तेमाल किया है अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।